सो स्टूडेंट्स, कल से जीएसई बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है और सीबीएसई की तो बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रही है। सो पहली चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड जो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इसको हवा मत बनाओ। इसको इतना बड़ा चाहे इतना हवा बना देते हैं कि मतलब आपको फिर टेंशन होती है, फिर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आप जो आपका परफॉर्मेंस है उस पर बहुत गहरा असर होता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी काबिलियत को समझो, अपनी कमजोरियों को समझो और अपनी ताकत को समझो। क्या आप जो भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन से चैप्टर आपके बहुत ताक आपके चैप्टर ताकत वाले हैं और कौन से चैप्टर में आप कमज़ोर हैं, तो आप ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपकी काबिलियत के हिसाब से आप अपनी पेपर नहीं दे पाएंगे। मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी काबिलियत 90% लाने की नहीं होती है, पर आपकी काबिलियत 70% लाने की तो हो ही सकती है। फिर आपके परसेंट 60 है तो कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात कि अपने कोर्स जो इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोर्स है, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। अब आप बोलेंगे मैं शॉर्ट कैसे करूं? शॉर्ट करने का एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर को जरूर आप अपने बोर्ड के एग्जाम पे पहले सारे जितने भी आप 7-8 साल के जितने भी आप बोर्ड पेपर्स आप देख सकते हैं सब देख लो और ध्यान से उसका पैटर्न देखो। और फिर अपना मार्क सिस्टम ये कि ये चैप्टर का कितना वेटेज, ये चैप्टर का कितना वेटेज, वो देते हैं किस लिए? आपको चैप्टर का वेटेज क्यों देखते हैं? सिर्फ देखने के लिए कि हाँ इसमें इसमें 4 मार्क का दे, असेसमेंट करने के लिए कि इस चैप्टर में से 4 मार्क का ही आएगा। हो सकता है कि आपकी वो चैप्टर कमजोरी हो और आपको सिर्फ वो 4 मार्क के लिए आप पूरा 1 घंटे 2 घंटे आपके दिन के बर्बाद कर दिए, तो कोई मतलब नहीं है। आपकी ताकत है तो बात अलग है, आपकी कमजोरी है और उसमें से आएगा सिर्फ 4 मार्क का, तो आपको वो देखना पड़ेगा और देखो कि क्या पूछ रहे हैं वो लोग। वो 7-8 साल के उस चैप्टर में से आपको देखेगा, एक पैटर्न आपको जरूर दिखेगा कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या इसके अलावा ये मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे क्लाउड में कि ये बस इसमें से ही आता है, तो वो आपको समझ। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को तो जरूर देख के जाओ। उस क्या उससे क्या होगा कि आपका ये बड़ा कोर्स अब ये करके छोटा बना नहीं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बस मुझे अब यही करना है। तो आप इसलिए मैंने बोल रहा था कि आपकी ताकत और आपकी कमजोरी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में कमजोरियां हैं, पर जीएसई बोर्ड का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे और थोड़ा पैटर्न आप देखने की कोशिश करोगे तो वो जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन आए हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, सीधा फॉर्मूले में से पूछ लेते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में जरूर रखना। और लास्ट एंड फाइनल बात के बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम और जो जिसके अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम बाकी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसके बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है कि मैं स्टैंडर्ड 10 के रिलेटेड ही वीडियोज बनाता हूँ, बस रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा भी मैं बहुत सारे एडवेंचर एक्स्ट्राज आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे विविध टाइप का मैं और मेरे अपकमिंग में तो मैं बहुत और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो उसके लिए तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो दिल से थैंक यू।